कराची के मसरूफ तरीन इलाके और माशी हब टावर में जहां लोग अपने कामों में मसरूफ हैं, वहीं सायादार दरख को अपनी जाय पनाह बनाकर 15 साल जैनब गाहकों की मुंतजर है। जैनब का ताल्लुक वैसे तो सवात से है, लेकिन उसका बचपन कराची के इलाके आगरा ताज में गुजरा। वालिद के साथ शौकिया आने वाली जैनब के लिए कब यहाँ बैठना जरूरत बन गया उसे ये याद ही नहीं। छोटी से बैठती थी, अभी मुझे ये नहीं पता है कितने साल से बैठी। बजाय तो वो सड़क किनारे ठैया लगाए बैठी है, लेकिन इस बस स्टॉप पर उसे दर्जनों मर्दों की मौजूदगी में हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। वो खुद तो ना पढ़ सकी, लेकिन भाइयों को पढ़ाना उसे जिंदगी का मकसद बना लिया है, और इसी मकसद ने जैनब को ये हौसला दे डाला कि वो हर मुश्किल का मुकाबला बहादुरी से कर लेती है। पढ़ने का शौक है, अब्बू नहीं बोल, अब्बू बोलते ना मुझे अभी नहीं पढ़ते। लेकिन कुछ चीजें उसके बस में नहीं। जैनब का ध्यान जरा देर के लिए ठहिये से हटा कि बस का ये कंडक्टर उसका सामान उठाकर भाग गया और वो शोर मचाने के अलावा कुछ ना कर सकी। बज़ाहिर बहादुर लेकिन इंतहाई हसास जैनब को लोगों का ये रवैया इस कदर तकलीफ देता है कि आंसू उसकी आंखों से छलक जाते हैं। हालात और तजुर्बा इंसान को इस कदर मजबूत बना देते हैं कि वो मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है, और जैनब इसकी एक ऐसी ही मिसाल है जो अपने घर का खर्च चलाने के लिए अपने बाप का सहारा बन गई। कैमरामैन नुमान मंसूर के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़ कराची।